Winter's here, the snow is falling on our car as we drive. सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अजय फ्रॉम UK04। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट उठा हूँ और थोड़ी देर बाद जाता हूँ नीचे चाय पीने, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है यार। और पता नहीं कल मैंने आइसक्रीम खा दी तो मेरे को ठंडा लग गया, मेरा गला थोड़ा सा वैसी वॉइस कर रहा है, लेकिन वो सुबह सुबह होता है ना, लेकिन अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी गर्म पानी पीता हूँ और अदरक वाली चाय पीता हूँ, मस्त थी। तो फ्रेंड्स उठ जाते हैं और साथ में ये जो बिस्तर है इसको भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इस बिस्तर को ठीक करना भी अपनी जॉब बनती है। तो आप लोग भी करा करिए, मैं पहले नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ, क्योंकि अब मैंने अपनी हैबिट में डाल दिया है कि सुबह अपना बिस्तर भी सेट कर लो और मस्त तरीके से बना लो। तो चलो इससे मैं तय कर लेता हूँ और फिर आपसे नीचे मिलता हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी आप लोगों ने मेरे को बताया कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको बनाने में फ्रेंड मैं सोच रहा था कि मुझे कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं, लिटरली इसमें मुझे लगे कम से कम 3.5 घंटे के आसपास। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो ये बाहर की लाइनिंग है ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो इसके मैं ब्लैक कलर ब्लैक मार्कर मैंने भरा था ये थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें बीच बीच में काफ़ी स्पॉट्स आ जा रहे थे, तो वो मैंने सही कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आदि योगी भोलेनाथ की तस्वीर। तो आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, पहले मैं बिस्तर सही कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा भाई है, मतलब छोटा है, वो मुझसे कह रहा था कि भैया आप अपना होम टूर क्यों नहीं दे रहे हो, अपना रूम टूर क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, अभी मैंने कुछ ज़्यादा सेटअप कुछ करा नहीं है, ना ही मैं इतना बड़ा ब्लॉगर हूँ ना यूट्यूबर हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा कमरा, मेरी चेयर, मेरा टेबल, वहाँ पर कुछ बुक्स रखी है, मैं कभी पढ़ता हूँ उसमें और कभी कुछ लिखता हूँ। और यहाँ पर एक मैंने कैलेंडर लगाया है श्री कृष्ण जी का। और ये है मेरा बेड, और फिलहाल अभी ज़्यादा मैंने कुछ कर नहीं रखा है। यहाँ पर टीवी और कुछ रैक बन के आएगी। और ये है शीशा, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया है, यहाँ रख दिया है। तो बस यार इतना सही है मेरा रूम। फ्रेंड छोटे भाई, अगर तुम देख रहे हो तो बस देख लो यार, यही है रूम जो है छोटा सा। अभी फ़िलहाल अभी इसमें काफ़ी डेकोरेशन करना है, यहाँ पर पर्दे लगवाने हैं और भी कुछ सामान आएगा यहाँ पर, अभी देखो जैसा भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी जो है वो ये है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे को, सॉरी आप फ्रेंड्स, कभी भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी अपना रूम छोड़िए तो ज़रूर लाइट बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं नीचे। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. पाखी, पाखी क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। वेरी गुड। चाय बना दो भाभी, चाय बना दो मिलने। ये हमारी भाभी चाय बना रही है अभी। तो फ्रेंड्स चाय पीता हूँ मैं, और चाय पीने के लिए मैं अपने टी पॉइंट पे जाऊँगा, और ये मेरी साइकिल है इसे मैं बाहर रख देता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे टी पॉइंट पे। टी के साथ वही आपके सामने है ये प्यारा सा नज़ारा। आज पहाड़ों में भी कोहरा लगा हुआ है, आपको कैमरे में यह क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन हल्का हल्का कोहरा है। बाकी व्यू तो यार मैं क्या कहूँ, इस व्यू के ना मज़े ही कुछ और हैं। आप कभी आइएगा मेरे घर तो आप देखिएगा सुबह सुबह यहाँ पर, बहुत ही लिटरली बहुत ही मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं ये आ गई मेरी चाय, आज मैं थोड़ा चाय ज़्यादा लेके आया हूँ क्योंकि मेरी जो आवाज़ बैठी है इसको पी के एकदम ठीक हो जाएगी। तो चलिए चाय इन्जॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स आज हमारे घर में बना हुआ है आटे का हलवा गुड़ के साथ, आपने अपने वहाँ भी कभी बना के खाया होगा। ये पाकी का है और ये मेरा है। तो आटे का हलवा कहते हैं कि जाड़ों में थोड़ा गर्म होता है, इसमें गुड़ डाला जाता है, और गुड़ डालने के बाद इसमें ये जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा आ जाता है, और ये शरीर के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो कैसा लग रहा है बाबू, टेस्टी लग रहा है? तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी खाता हूँ और उसके बाद इंजॉय करता हूँ इस आटे के हलवे को। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मंगल बाजार, ये है मेरे साथ मेरे बड़े दादा राजू दा, अल्मोड़ा में रहते हैं, तो मैं आज इनको मंगल बाजार घुमाने ले जा रहा हूँ।
तो देखते हैं कैसा होता है यार। भीड़ तो काफ़ी है, यहीं से दिखने लग गई है भीड़, तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मंगल बाजार आगे चल के। तो फ्रेंड्स ये हमारे दादा और ये लगी है मंगल बाजार, देख सकते हो आप। समोसे काफ़ी टेस्टी हैं, पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। इस साइड में सारी सब्जियाँ मिलती हैं और ये क्या कहते हैं, कॉटन कैंडी भी मिल रही है। तो अभी अंदर भीड़ है, थोड़ी देर में जाते हैं हम अंदर को। तो फ्रेंड्स अभी हम खा रहे हैं मोमो, अभी पीछे मोमो गर्म हो रहे हैं, उसके बाद खाते हैं मोमो। तो देखते हैं कैसे बनता है, आज फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं यहाँ पर मोमो। तो फ्रेंड्स मार्केट से मैं आ चुका हूँ और अभी मैं बैठा हूँ अपने रूम पे, और आज दादा को मंगल बाजार दिखाई तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और कुछ सब्जी वगैरह भी हमने शॉपिंग करी दादा ने, और फिर उसके बाद हमने पकौड़ी खाई, मोमो खाए। तो पकौड़ी तो यार इतनी टेस्टी बना रखी इतना कि क्या बताऊँ। आप कभी भी जाओ ऐसे बाज़ारों में तो पकौड़ी और जो समोसे और ब्रेड पकौड़े बने होते हैं ना, वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि कितने टेस्टी होते हैं ना। मतलब कि यार ऐसी चीज़ें मतलब मिलती नहीं है हर जगह पे, तो कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है हाथों में उनके। तो चटनी तो खासकर काफ़ी शानदार थी, हमने दो दो तीन तीन बार चटनी मांगी और खूब खाई पकौड़ियाँ। तो उसके बाद जस्ट मैं अभी घर भी आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए फ्रेंड्स मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी बी ब्राइट।